हेलो फ्रेंड्स, मैं कालका आईएएस भोपाल की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पर फिर से लेके आए हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3, सोनम्स एंटोनम्स का। जिन लोगों ने मेरे पहले के प्रीवियस पार्ट देखे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हम कैसे सोनम्स एंटोनम्स याद करते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद होंगे जिन्होंने पहली बार देखा है, क्योंकि हम यह एक सीरीज के रूप में स्टार्ट कर चुके हैं जो एवरी डे इसी समय पर आपको अवेलेबल होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि रेगुलर रूटीन में जरूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको हर एक मीनिंग्स रेगुलर बेसिस पे याद होगा, क्योंकि आपको पता है अपकमिंग काफ़ी सारे बैंकिंग, एसएससी एग्जाम्स, व्यापम एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में यूज होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि सबसे फर्स्ट चीज़ वर्ब पावर, वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाना, और इतना हमें मगअप करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम शॉर्ट टिक्स यूज करते हैं जो कि हमारी ए से स्टार्ट हो चुकी है। आज का सबसे पहला हमारा वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट, एडिक्वेट हमारा आज का सबसे पहला शब्द यूज किया गया। एडिक्वेट एकॉम एडे एड प्लस एक्वा एड, या इसे छोड़ दो, एक्को ऐड। मतलब एक्को क्या होता है आपको पता है, एक्को एक्को गार्ड यानी कि पानी, एक्को उसे क्या करना है, ऐड करना है, खाना है यानी पीना है। याद करने के लिए सिर्फ आपको एक तरीका है, एक्को को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम 2 गिलास पानी में हमें लगता है नहीं बस पेट फूल गया, अब नहीं बिल्कुल नहीं लगता है। हाँ तो अब इमेजिन करो, एक्चुअली हाँ एक और चीज़ है, इमेजिन करो आप हो यहाँ बैठे हुए हो और आपको पानी कंटिन्यूअसली आप पी रहे हो, पानी आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपका पेट तो इमेजिन कर लो, नॉट राइट, आपका पेट तो क्या हो जाएगा, भर जाएगा, अब नहीं मेरा पेट बहुत भर गया, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, तो आप क्या बोलोगे, काफ़ी है काफ़ी है, पर्याप्त, अब नहीं बिल्कुल नहीं। तो एडोकेट मतलब पर्याप्त। क्लियर हुआ, एक्वा को ऐड करने को बोला तो इससे क्या हो गया हमारा, एडोकेट मतलब पर्याप्त हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब बिल्कुल भी नहीं, अब नहीं करना। तो आपको सिंपल से इसके अगर हम मीनिंग देखेंगे, अगर कंफर्टेबल देखें, मतलब सफिशियंट, जो चीज़ हमारे लिए सफिशियंट है, अगर हम इसकी मीनिंग देखें, मैं एक्चुअली में जो वर्ड्स आप लोगों को पता हो वो मैं नहीं लिखवा रही हूँ। सफिशियंट यानी कि क्या होता है, पर्याप्त, सफिशियंट हम जो यूज करते हैं पर्याप्त, इनफ बस बहुत हो गया, इनफ यानी कि पर्याप्त। क्लियर है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट, सिंपल है, सफिशियंट पर्याप्त, और इन जब हम लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, अपोजिट, इनसफिशियंट अपर्याप्त। तो होप सो आपको ये वाला वर्ड याद हुआ होगा, एक्वा एट, एक्वा को ऐड करना है तो अब नहीं, बेचारा पेट फूल गया, देखो इसके हाथ देखो कितने मोटे मोटे हो गए, बेचारा का पेट फूल गया, अब उसे पानी मत करो, पानी इसके लिए एडोकेट है। अच्छा आप लोग पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा सेकंड पार्ट में, तो उसे मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जो मैं बता रही हूँ उसे एवरी डे एक एक घंटे के हिसाब से जरूर यूज करो, देन श्योर आपको जितने भी वर्ड होंगे वो रेगुलर बेसिस पे याद होते चले जाएंगे। दूसरा एडमायर, एड माय। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐड करने के लिए अगर आपकी माँ को बोल दिया जाए तो आपकी माँ क्या करेगी, बुराई कर देगी, अरे मेरा बेटा ये है वो है, नहीं, हमेशा माँ क्या करती है, तारीफ करती है। ऐड करने में तो वैसे भी तारीफ ही होती है, माँ को क्यों लाते हैं ऐड में, क्योंकि उन्हें पॉजिटिव तारीफ वाली ऐड किया जाए, तो एडमायर मतलब जब तारीफ होती है, तारीफ की जाती है तो उसे एडमायर बोला जाता है, तारीफ करना, प्रेज। सोनम्स क्या हो जाएगा इसे, जो आप लोगों को पता हो, प्रेज करना,
एडमायर, तो जो सिनोनिम्स आपको पता है वो तो आपको सिंपल सा है, ये वाले सिनोनिम्स तो आपने देखे होंगे, पेज करना, एप्रिसिएट करना, ठीक है। एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट, एप्री को ऐड कर लो, एप्री को, एप्री, एप्री बोतल आती है, ओके okay, उसे अगर खाने को बोल दोगे तो आप तो पीने को किसी ने दे दिया, आप तो तारीफ ही तारीफ करोगे, अरे वाह बहुत अच्छा है तुमने मुझे एप्री दे दी, तो वही एप्रिसिएट यानी कि तारीफ करना। एंटोनिम्स कंडेम, कंडे कंडे आते हैं, कंडेम कंडे मार, कंडे किसको मारे जाते हैं, बुराई की जाती है, अरे तू ये है तू वो है, बार बार कंडे मारना यानी किसी को बुराई करना, किसी की गाली देना, तो कंडे मतलब सीधे क्या हो गया, किसी की बुराई की जा रही है, किसी की गाली दी जा रही है, किसी को बहुत ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है, तो मतलब कंडे मार मार के उसे बताया जा रहा है, तो कंडे मार यानी कि निगेटिव वर्ड हो गया, यानी कि किसी की बुराई करना, तो याद हुआ एडमायर, एडमायर यानी कि तारीफ करना। ये मैंने स्टार्टिंग से उठाया है, ना कोई बीच में कोई वर्ड है ना कुछ है, स्टार्टिंग से हम इसे याद कर रहे हैं। ए ए दो, ए दे दो, सब दे दो, मैं तो सब खा लेता हूँ, सब पी लेता हूँ, सब रख लेता हूँ, होते हैं ना कोई कोई बड़े, आपको खाना खिला दिया आपने, उसके बाद पूछते हो अब ये लोगे, हाँ दे दो मैं तो खा लूंगा, होते भले इनका पेट हो गया पूरा भरा हुआ है तब भी इन्हें कुछ भी दे दो तब भी ये सब कुछ खाते चले जाएंगे, तो ऐसे लोग जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ए दे दो अपना लूंगा खा लूंगा घुसा लूंगा, एक कोने में मेरी जरा सी जगह उसमें घुसा लूंगा, यानी कि अपनाना, एडोप यानी कि अपनाना, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ये जो वर्ड आपको आते ही होंगे, ऑन मेरा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ऑन मेरा होता है तो दिस ऑन, कई वर्ड्स को हम एंटोनिम्स दिस लगा के भी बना सकते हैं, तो दिस ऑन मतलब मेरा नहीं है, क्लियर हुआ। तो एडो, ए दे दो अपना लूंगा खा लूंगा, तो एडोप मतलब अपनाना खाना। नेक्स्ट है एडवेंचर, बैल को चला, तुम लोग चलाओ बैल को, कौन कौन चला सकता है, साहसा काम है, एडवेंचर कोई कोई चला सकता है ना, नॉट एट ऑल, कोई नहीं चला सकता, तो एडवेंचर मतलब जो कि साहस के साथ काम करे, साहस के साथ रहे, जैसे डेयर डेविल, इसका सिनोनिम्स हम याद करेंगे, डेयर डेविल, डेयर मतलब साहस और डेविल मतलब आपको पता है, डेविल मतलब कौन होता है, बुरा व्यक्ति जो राक्षस होता है, डेविल नाम से जाना जाता है, तो राक्षस के साथ साहस दिखाना, तो उसे साहसी बोला जाएगा, साहसी, तो डेयर डेविल मतलब साहसी, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स टिमिड, आपको पता है कि जो बहुत टाइम देखता है, टाइम का है, वो साहस नहीं दिखाएगा, उसे बड़ा डर है, घर में बीवी बोलेगी, माँ बोलेगी, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जो जाना है जाओ, मैं तो अपने घर जाऊँगा, टाइम पे जाऊँगा, तो टिमिड मतलब जो कि बुजदिल है, साहसी नहीं है, तो क्या है एडवेंचर, एक बैल बना हुआ है और उस बैल को आप उसे लेके जा रहे हो, बैठे हो चला रहे हो, हिम्मत है किसी में कोई चला सकता है, नहीं, साहसी व्यक्ति चला सकते हैं, जैसे इटली में होता है ना, एडवेंचर साहस। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का वर्ड एडवर्सिटी, ऐड हो रहा है वो भी किसका, बरसी का, ये कितनी बुरी बात है कि कोई बरसी का ऐड कर रहा है, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बुरी चीज है कि बरसी का ऐड करना, तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब जो हो जाता है कि गलत करना, दुर्भाग्य लेके आना, बरसी का ऐड कर रहे हो यानी कि दुर्भाग्य लेके आ रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो एडवर्सिटी यानी कि गलत काम करना, ठीक है। दोस्तों नाम इसका हो जाएगा अनलकीनेस, मिसफॉर्च्यून, जो गलत है, मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून है, मिसफॉर्च्यून हो गया यानी कि अब इसके हाथ से फॉर्च्यून निकल गया, फॉर्च्यून का तेल नहीं ले सकता अब ये, अब जो फॉर्च्यून का तेल नहीं लेगा बेचारा, सरसों के तेल से काम करेगा,
तो मिस फॉर्चून हो गया। और फॉर्चून यानी कि जो सरसों का इतना महंगा, ये जो सोयाबीन का इतना महंगा तेल लेता है, तो सोयाबीन के महंगे तेल तो कौन लेते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं वही सोयाबीन का महंगा तेल लेते हैं, तो वही फॉर्चून कहलाते हैं। तो होप सो ये समझ में आया होगा, क्लियर होगा। तो कल हम नए 5 वर्ड्स के साथ कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक कालका आईएएस भोपाल की तरफ से मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। अगर कोई भी आपको इंक्वायरी है किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप 7400501501 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।